नमस्ते। आज हमारा एग्रीकल्चर का पार्ट टू शुरू होगा। कल हमने बेसिक्स पढ़ा था। हमने ये देखा था कि भाई वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पर कृषि में डाटास कलेक्ट किए जाते हैं, भू उपयोग क्या होता है, प्रचलित भूमि जोते क्या होती हैं, फसल कौन कौन सी है, कौन कौन सी फसल से कितना उत्पादन होता है, कौन कौन सी जगह होता है। तो आशा करती हूँ कि अभी ये क्लास देखने से पहले कल की क्लास की यादें आपके दिमाग में ताजा हैं। अगर नहीं ताजा है तो ये क्लास को देखने से पहले वो पुराने वाली क्लास देखना, और जैसा कि कल रूल बताया था आपको कि आपको मुझे क्लास ये वाली ऑन एयर होते ही चैट बॉक्स में कुछ चीजें टाइप करके देनी है तो जरूर से टाइप करके देनी है। देखो, आप और मैं यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, मेरा उद्देश्य आपको पढ़ाना है। हाँ ठीक है, बीच में मैं एक दो बात आपको अच्छी बता देती हूँ कि ठीक है मोटिवेशन होना चाहिए, लेकिन उतना भी नहीं कि सब कुछ मोटिवेशन पर ही हो जाए। सिंपल, जो हमारा एक सिंपल सा उद्देश्य है इस 1 घंटा की क्लास का, वो ये है कि मैं इधर से आपको जो भी चीज समझाऊं, जो पढ़ाऊं, उधर से आप उसे पूरा ग्रहण करें, उसे अपने अंदर भर लें और एग्जाम में जाकर उसे सही तरीके से क्या करें, बाहर निकाल दें। और जो आपका उद्देश्य है कि आपको क्या होनी चाहिए, अंतपरंत सिलेक्शन होना चाहिए, वो पूरा हो। तो इसलिए आज आपको कह रही हूँ कि जब आप ये क्लास देख रहे हैं तो पिछली क्लास की यादें आपके दिमाग में अवश्य होनी चाहिए, पहली बात। और जो भी होमवर्क के तौर पे आपको मैंने कहा है कि चैट बॉक्स में ये ऑन एयर होते ही आपको टाइप करनी है, वो जरूर से टाइप करनी है। देखो क्या है क्या नहीं है कि बीच में ही सब कुछ है, और कोशिश करो कि आप हाय हेलो होता रहता है जिंदगी में, कोई बड़ी बात नहीं है हाय हेलो। जब कुछ बन जाओ तो मस्ती से पूरी दुनिया से हाय हेलो कर लेना। अभी ये कोशिश करना कि आप क्या करें, पढ़ाई करें। तो चलो शुरू करें ये क्लास आज की हमारी एग्रीकल्चर की। हाँ, कल की थोड़ी लंबी हो गई थी क्योंकि मैंने बेस बनाना था, आज जो है वो थोड़ा क्या रहेगा, इजी मामला रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखो बस 2 मिनट। हाँ, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगर आप एपी का एग्जाम का सिलेबस देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है तिलहन फसलें। अब तिलहन फसलें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका महत्व तो मैं आपको बताती हूँ। तिलहन फसलों से आपको किसकी प्राप्ति होती है, तेल की प्राप्ति होती है। और तेल का इस्तेमाल भारतीय भोजन में, किसमें, भारतीय भोजन में बहुत ज्यादा है। भारत का जो भोजन है उसमें हम सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल करते हैं, तेल का इस्तेमाल करते हैं, और तेल हमारे दैनिक उपयोग की वस्तु है। और इसी वजह से तिलहन फसलें जो हैं वो एग्जामिनर क्या करता है, बहुत पूछता है। क्या आपने कभी किसी भारतीय खाने को बिना तेल के देखा है क्या भारत में? और इवन राजस्थान में तो ये रिवाज है कि अगर ऊपर तक पूरी सब्जी तेल में स्विमिंग नहीं कर रही हो तब तक राजस्थानी के लोगों को मजा ही नहीं आता। तो हम ये सोचे कि तिलहन फसलों की इतनी जरूरत क्यों है, या तिलहन फसलें जो हैं वो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, ऐसा क्या है इनके अंदर कि ये अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहुत सिंपल शब्दों में जो इसका आंसर है वो यही है कि भारतीय जो भोजन है, जो इंडियन फूड प्रैक्टिस है या जो इंडियन फूड हैबिट्स है, जो भारतीय खान पान है, उसमें तेल एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जो तेल है वो भारतीय खाने का एक अभिन्न अंग है, और इसी वजह से इनको क्या किया जाता है, उगाया जाता है। अब देखो दिक्कत क्या है कि भारत का जो या राजस्थान का जो फसल प्रतिरूप आप देखते हो, उसमें आप ये देखते हो कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अनाज को दी जाती है। बहुत थोड़े से हिस्से पर ही या कम हेक्टेयर्स पर ही किसकी खेती की जाती है, तिलहन की खेती की जाती है। ठीक है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे पास तिलहन फसलों में ऑप्शंस कम मिलते हैं, तो उसी वजह उस दूसरे वजह से भी क्या है, तिलहन की क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तीसरी बात, अभी आप देखो एक बायोफ्यूल नामक चीज शुरू हुई है ना। बायोफ्यूल मतलब कि आप पेड़ पौधों से क्या निकाल लीजिए, पेट्रोलियम जैसी चीज निकाल लीजिए, उसको क्या कह रहे हैं, बायोफ्यूल कह रहे हैं। तो ये विशेषकर जो 3 कारण है कि इनका खान पान में, भारतीय जो खान पान है उसका ये अभिन्न अंग है तिलहन फसलें। दूसरा, तिलहन को कम जगह क्षेत्रफल मिलता है और ये भारतीय खान पान का अभिन्न अंग है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गई है। अनाज फसलों को हम ज्यादा क्या दे रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज जो पर्यावरण पर्यावरण प्रदूषण से भरी जो पृथ्वी है उसके लिए एक क्लीन फ्यूल के तौर पर हम बायोफ्यूल को देख रहे हैं, वो भी हमें कहाँ से मिलता है, तिलहन फसलों से मिलता है। तो ऑन एन एवरेज आपको दिमाग में ये रखना है कि तिलहन फसलें जो हैं वो आज के युग में इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई हैं
उसके दो कारण है। पहला कारण ये है कि आप कभी भी भारतीय फूड हैबिट को तो नहीं बदल सकते, भारत के खान पान के तरीकों तो बहुत ज्यादा नहीं बदल सकते, तो हम आपके खान पान से तेल अलग नहीं हो सकता, तो तिलहन फसलों का भविष्य हमेशा जिंदा रहेगा, पहली बात। दूसरी बात कि बायोफ्यूल की ओर हम जा रहे हैं, इसलिए भी तिलहन फसलें क्या हो गई हैं, इंपॉर्टेंट हो गई हैं। अब हमें पढ़ना है कि वो कौन कौन सी तिलहन फसलें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जामिनर क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो देखो, पौध तिलहन फसलें, अब इसके दो टाइप हैं। एक है पौध, पौध मतलब देखो ऐसे जिसकी हाइट थोड़ी कम ही होगी, और वृक्ष ऐसा होता है। एक होता है वृक्ष तिलहन और एक होता है पौध तिलहन। तो सबसे पहले हम कौन सी पढ़ने वाले हैं, पौध तिलहन पढ़ने वाले हैं। अब पौध तिलहन के भी आपको क्या करने होंगे, दो पार्ट करने होंगे, एक करना होगा रबी तिलहन और एक करना होगा खरीफ तिलहन। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ये जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको रबी का तिलहन और खरीफ का तिलहन 100% पूछा जाता है। अब देखो, रबी का तिलहन का मतलब क्या हुआ कि आपको कब बोना होगा इसको, रबी के मौसम में बोना होगा। तो रबी के मौसम में बोओगे किस किस को, सरसों को, राई को, तारामीरा को, सूरजमुखी को और अलसी को। तो बेसिकली आपको बस एक रीडिंग लगानी है कि आपको सरसों, राई, सूरजमुखी, तारामीरा और अलसी कौन सा तिलहन है आपके, रबी के तिलहन है। फिर आपको कौन सी तिलहन याद रखनी जरूरी है, खरीफ की तिलहन याद रखनी जरूरी है। खरीफ की तिलहन में आपके पास तिल है, सोयाबीन है, मूंगफली है, अरंडी है और कपास है। अब देखो, कपास भी इसलिए तिलहन फसलों में आता है क्योंकि जो कपास के बीज होते हैं उनसे क्या निकलता है, ऑयल निकलता है, जिसको कॉटन सीड ऑयल भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे कपास का भी आपको ध्यान रखना है कि वो खरीफ की तिलहन में। दूसरी सबसे खतरनाक बात यहाँ पे क्या है, गौर से सुनना, कि जब आप एग्जाम में जाओगे तो प्रेशर के अंदर ये रबी और खरीफ के तिलहन आपके दिमाग में मिल जाएंगे, और अगर आपने ट्रिक भी बनाई है तो भी ये दिमाग में मिलेंगे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, अपने कॉपी के हेडर पर एक तरफ लिख लो रबी का तिलहन और एक तरफ लिख लो खरीफ का तिलहन। और रबी के तिलहन में भी जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली चीजें हैं वो ही सबसे पहले लिख कर रख लो। जैसे आपको रबी के तिलहन में हर हालत में सरसों और राई को एक साथ याद रखना होगा, इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछ सकता है। देन आपको अलसी को याद रखना होगा, और फिर आपको किसको याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ सूरजमुखी को। ये तीन ही चीजें आपको रबी की तिलहन के अंदर क्या करनी है, याद करके रखनी है। फिर आपके पास कौन सी है, खरीफ की तिलहन है। खरीफ की तिलहन में आपके लिए इंपॉर्टेंट है तिल, मूंगफली और कपास। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तिल, मूंगफली और कपास। अगर कभी एग्जामिनर का मूड हुआ तो वो आपसे और क्या पूछेगा, वो आपसे अरंडी भी पूछ लेता है, लेकिन बेसिकली जो वो पूछता है वो यही तीन चीजें हैं। तो पहले पेज में इसी वक्त आप मेरे साथ क्लास लेते हैं, जिस वक्त भी ये क्लास ऑन एयर होगी उस वक्त आपको क्या करना होगा, आपको इसी वक्त आपके चैट बॉक्स में टाइप करना होगा कि कौन से रबी के तिलहन है जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो आप टाइप करेंगे सरसों, राई, अलसी और सूरजमुखी, और कौन से खरीफ के तिलहन है, तिल, मूंगफली और कपास। क्लियर, आगे चलूं मैं। तो ये पूरा का पूरा डाटा आपको दिमाग में क्या रखना है, फीड रखना है। और दिमाग में फीड करने का एक सिंपल सा एक मेथड है कि जिस वक्त आप ये चलती क्लास देख रहे हैं उसी वक्त आप सारा ध्यान इस आवाज पर मेरी, इस बोर्ड पर, और टाइप करते रहें चैट में। तब आपको ऑटोमेटिक ऐसा लगेगा कि पेन पेपर से आप क्या कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं। तो हो गया सबका टाइप, सबने टाइप कर दिया कि रबी का तिलहन कौन सा है और खरीफ का तिलहन कौन सा है। तो हम क्या करते हैं, स्लाइड को आगे ले जाते हैं। तो डन, आगे चले, चलो। हाँ, अब आपको देखना है वृक्ष जनित तिलहन। अब वृक्ष जनित तिलहन में जाने से पहले यहाँ पे लिख लो कि तिलहन, और तिलहन के भी दो हिस्से कर दो, एक तिलहन रख दो अपनी पौध वाली और एक तिलहन रख दो अपनी वृक्ष वाली। रख दी। अब आपने क्या करना है, पौध वाली तिलहन के भी आपको दो हिस्से करने हैं, एक रबी का रखना है और एक खरीफ का रखना है। ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में नोट्स भी बनाना है। और फिर यहाँ पे सबसे पहले लिख दो सरसों और राई, एक साथ लिखो राई और सरसों को, ये दो दिल एक जान है ना। रबी के तिलहन में सरसों और राई क्या है, दो दिल एक जान, ये एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। और जो चीजें एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती उनके लिए मेरे पास एक शब्द है, दो दिल एक जान। तो सरसों और राई क्या है, रबी के तिलहन के दो दिल एक जान है। उसके बाद क्या
क्या ले आओ इनके लिए? सूरजमुखी। अब बताओ भला, दो दिल एक जान है तो फूल तो लाना पड़ेगा ना, तो सूरजमुखी। और देन आपको क्या याद रखना है सूरजमुखी के सूरजमुखी के बाद आप अलसी को याद रखेंगे। किसको याद रखेंगे? अलसी। अलसी इंपॉर्टेंट हो गई है आज के पर्सपेक्ट में। इससे किसान अच्छा खासा क्या कमा रहे हैं? पैसा भी कमा रहे हैं। देन आपको कहाँ आ जाना है? खरीफ पे आ जाना है। और खरीफ में तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले आपको क्या याद आ जानी चाहिए? मूंगफली। देन आपको क्या याद आ जानी चाहिए? तिल। और फिर आपको क्या याद रखना है? कपास। इन तीन के अलावा अगर एग्जामिनर कभी फोकस करेगा तो वो कौन सी जगह होगी? अरंडी। अब देखो इस चीज को आपको रोज क्या करना है? रीड करना है। रोज डेली आपको क्या करना है? पढ़ना है। देखो एक टाइम फिक्स करो, अपना टाइम टेबल बनाओ, बेस्ट टाइम टेबल, क्योंकि अब आपका 7 जैन को एग्जाम है। और उस टाइम टेबल को बहुत प्रैग्मेटिक रखो, व्यवहारिक रखो। दिन का कोई एक ऐसा टाइम रखो जिस वक्त आप सब चीजों को क्या करोगे? रिवाइज करोगे। अगर आप बार बार कॉपी नहीं खोल पा रहे हो तो अपने घर की दीवारों पर उन पेजेस को क्या कर दीजिए? चिपका दीजिए। और जब भी आप ब्रश कर रहे हो, इधर उधर टहल रहे हो, तो आपकी नजर उन पर पड़ेगी तो आपको क्या रहेगा? याद रहेगा। ठीक, आगे देखें। अब हम किसकी बात करते हैं? वृक्ष जनित तिलहन की बात करते हैं। देखो यहाँ पे ई की मात्रा लगा दे रही हूँ मैं। ठीक, तो अब वृक्ष जनित तिलहन में कौन है? यही वृक्ष जनित तिलहन से आपको क्या मिलेगा? बायोफ्यूल। क्या मिलेगा? बायोफ्यूल मिलेगा। इसलिए आजकल एग्जामिनर को ये बड़े अच्छे लगते हैं, है ना? गाना है ना, बड़े अच्छे लगते हैं। तो वैसे ही वृक्ष जनित तिलहन जो है वो अभी एग्जामिनर को बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये क्या दे रहे हैं? बायोफ्यूल दे रहे हैं। इसमें कौन कौन शामिल है? देखो नीम। अब जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, आप ज्यादातर देखो मामा अर्थ के देख लो या किसी के भी देख लो, जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो बाजार में हैं, न्यूट्रोजीना के, मामा अर्थ के, उन सब का अगर आप पीछे वाला डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ होता है नीम ऑयल, कि हम नीम ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नीम से क्या प्राप्त होता है आपको? नीम ऑयल, जो बेसिकली स्किन के लिए क्या होता है? बहुत अच्छा। फिर आप देखो करंज, बायोफ्यूल बनती है करंज से। जेट्रोफा से भी क्या बनता है? बायोफ्यूल। जेट्रोफा को आप राजस्थानी में क्या कहते हो? रतन जोत। ये जेट्रोफा को क्या बोला जाता है? रतन जोत। फिर महुआ, फिर जोजोबा, इजराइल से आई है जोजोबा, फिर जैतून, और फिर कौन है? अरंडी। तो अरंडी आपका कॉमन हुआ वृक्ष में भी और खरीफ में भी। तो क्लियर। तो अब क्या करो, वृक्ष तिलहन के पास जाके नाम लिख दो। किस किस का नाम लिखोगे वृक्ष तिलहन के अंदर? तो वृक्ष तिलहन में आप नाम लिख दो नीम का, फिर किसका लिख दो? करंज का, फिर लिख दो जेट्रोफा का, फिर लिखो महुआ का, फिर जैतून का, और फिर जोजोबा का, फिर अरंडी का। इतनी जगहों का आपको क्या लिख देना है? सारा का सारा यहाँ पे अपने नोट्स के अंदर नाम लिख देना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं 100%, जो आपको अलग से लिखना होगा, अलग से याद रखना होगा, कि राजस्थान इतना इम्पोर्टेंट है कि देश का 20.30% तिलहन उत्पादन के साथ वो देश में क्या है? फर्स्ट है। तो अब क्या करो, फटाफट कॉपी के अपने नोट्स में लिखो तिलहन उत्पादन। लिख दिया तिलहन उत्पादन, और तिलहन उत्पादन के साथ एक लाइन जोड़ दो कि हम फर्स्ट आए हैं, है ना? क्या आए हैं हम? फर्स्ट। राजस्थान ने क्या मारा है? टॉप मारा है राजस्थान ने। कहाँ टॉप मारा है राजस्थान ने? पूरे के पूरे भारत में टॉप मारा है। और राजस्थान के नंबर कितने हैं? तो देखो बस इतने से, 20% में अगर तिलहन में राजस्थान टॉप कर रहा है, और अगर राजस्थान में कोई 20% ले आए और कहे मैं तो क्या कर रहा हूँ, टॉप कर रहा हूँ, देखो जब तिलहन में हम 20% में टॉप कर सकते हैं, तो एक स्टूडेंट अगर छोटा बच्चा हो वो अपनी मम्मी को कहे कि यार मैं भी 20% लाया हूँ, तो मैं भी क्या कर रहा हूँ? टॉप कर रहा हूँ, है ना? तो यहाँ पे लिख देना कि 20.30%, 20.30% के साथ। अब इस पर अपनी आंखों को कम से कम 1 मिनट तक रोको। ये डाटा आपको ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। आप जब देखेंगे कि आपको ये हमेशा एग्जाम तक याद रहेगा, बजाय इसके कि आप 20.30% को याद करने बैठ जाएंगे, ये आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। तो सिर्फ आपको सिंपल क्या करना है, अपनी आंखों को पूरी तरीके से इसी डाटा के आगे फिक्स करना है, तब आप देखेंगे कि आपको एग्जाम तक ये याद रहेगा, भले ही आप रिविजन ना कर पाए। तो बहुत सिंपल है कि भाई तिलहन उत्पादन में देश में किसने टॉप मारा? तो राजस्थान ने कहा मैंने टॉप मारा। और कितने परसेंट लाया? मार्कशीट इतनी खूबसूरत, 20% नंबर, 20.30% के साथ।
अब आगे चलते हैं, खरीफ तिलहन में मूंगफली और रबी तिलहन में और सरसों महत्वपूर्ण है। तो खरीफ तिलहन में कौन महत्वपूर्ण है, मूंगफली, और रबी तिलहन में कौन महत्वपूर्ण है, सरसों। ये तो दिखती सी बात है कि खरीफ में ज्यादा कौन बिकेगा, मूंगफली, और रबी में तिलहन में कौन ज्यादा बिकेगा, सरसों। तो ये भी आप लिख लीजिए कि जो खरीफ में कौन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही लिखना कि खरीफ में कौन इंपॉर्टेंट है, तो खरीफ में कौन इंपॉर्टेंट है, मूंगफली। अब देखो हमेशा याद रखना कि इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी होती हैं, जिनमें धन, जिनसे धन आगम ज्यादा होता है, जिनसे पैसा ज्यादा मिलता है। तो खरीफ के तिलहनों में ज्यादा कमाई किसानों को किससे हो रही है, मूंगफली से हो रही है ना, तो ऑटोमेटिकली खरीफ के तिलहन में कौन इंपॉर्टेंट हो गया, मूंगफली। दूसरी चीज में मैं आपको क्या बता रही हूँ कि रबी की तिलहन में कौन इंपॉर्टेंट है, तो रबी की तिलहन में कह रहे हैं कि सरसों इंपॉर्टेंट है, और सरसों ऑटोमेटिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरसों की बिक्री ज्यादा है, उससे किसान को ज्यादा मुनाफा होगा, तो ऑटोमेटिक रबी के तिलहन में कौन इंपॉर्टेंट हो गया, सरसों। तो क्या इस पेज का पूरा जो जो जगह आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है वो आपको अच्छे से समझ में आया, अच्छे से समझ में आया, तभी हम क्या करेंगे, अगली स्लाइड की ओर आगे चलेंगे। और एक बार फिर से याद रखो कि हम टॉप करे हैं तिलहन के अंदर, ठीक है, पूरे देश के अंदर, और कितने बढ़िया परसेंटेज से, 20% से सिर्फ, ठीक। आप लोग मत ले आना 20%, फिर मैं नहीं कहूंगी कि टॉप करोगे। हाँ, अब हम किससे देखने जा रहे हैं, मूंगफली को। तो मूंगफली के बारे में अभी हमने एक चीज पढ़ी, और वो क्या पढ़ी हमने कि ये खरीफ का तिलहन है। किसका तिलहन है, खरीफ का। तो ये तो हमें पहले से पता है, उष्ण कटिबंधीय फसल है, याद रहे तो ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हो, लेफ्ट छोड़ भी सकते हो। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें मूंगफली में कौन कौन सी चीज याद रखनी है। पहली, ये खरीफ की है। दूसरी, ये खरीफ में इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आप लिखते जाइए। फिर आपको इसकी बारिश देखनी है, तो बारिश तो बहुत इजी है, 50 से 125, 50 से 125 सेंटीमीटर। मिट्टी कैसी चाहिए इसको, तो याद रखो मूंगफली को कैसी मिट्टी चाहिए, दोमट काली, दोमट और काली। देन बारिश कितनी चाहिए, तो बाहर निकाल लो 50 से 125 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मूंगफली पता है इतनी इंपॉर्टेंट है कि मूंगफली आपकी जो भी मिट्टी है, आपकी जो भी मिट्टी है, जैसे आपके पास काली मिट्टी, इसमें नाइट्रोजन के अमाउंट को प्राकृतिक तौर पे बढ़ा देती है। अभी ऐसा क्यों करती है, क्योंकि मूंगफली के पास ऐसा नोड्यूल्स होता है जिसके अंदर एक बैक्टीरिया बैठता है, और वो बैक्टीरिया क्या करता है, जब आप मूंगफली बोगे तो उस बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है, और भूमि में प्राकृतिक तौर पर क्या बढ़ा दी जाती है, मिट्टी की मात्रा, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा दी जाती है। इसलिए कहते हैं कि मूंगफली इतनी फायदेमंद है कि वो आपकी जमीन को भी अच्छा करेगी और आपकी जेब को भी क्या कर देगी, भारी भरकम पैसों से भर देगी। इसीलिए खरीफ का तिलहन में मूंगफली क्या है, आपका इंपॉर्टेंट है। अब इसकी उन्नत किस्में पढ़नी है आपको। अब देखो प्लीज अदरवाइज मत लेना, अभी सबने एक गाना सुना होगा है ना, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पिक्चर का, कि झुमका गिरा है ना। तो पहली, जो सबसे पहली आपको चीज याद हो सकती है वो है झुमका। तो इसकी सबसे उन्नत किस्म जब आप याद करोगे ना, तो उस रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पिक्चर का जो सॉन्ग इतना रील्स में वायरल हुआ है, झुमका झुमका, तो वो देखो झुमका। तो पहली यहीं पे लिखो झुमका। मैं हमेशा ऐसा सोचती हूँ कि हम अपने आसपास की चीजों पर अगर गौर रखें और उसको अपनी पढ़ाई से जोड़ लें तो ये आसान हो जाती है। अब आप कभी नहीं भूलोगे कि मूंगफली का जो किस्म है उन्नत, उसमें एक नाम कौन सी है, एक किस्म कौन सी है, झुमका है। देन आप किसको याद रख लो, चंद्रा को, क्योंकि बेसिकली आप ऐसा समझ लो कि चंद्रा नाम की एक लड़की है, उसने क्या पहन रखे हैं, झुमका पहन रखा है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट किस्म कौन सी हो गई आपकी, चंद्रा। अब आपको बस दो अल्फाबेट के साथ याद रखना है, RS 1st एंड M 13। तो आपको क्या क्या याद रखना है मूंगफली में, वो मैंने आपको यहाँ सारा का सारा छोटा करके क्या कर दिया है, बता दिया गया है। तो आगे चले, आगे आगे की स्लाइड में चलो। अब प्रमुख मूंगफली उत्पादक जिले, वो कौन कौन से जिले हैं जहां मूंगफली होती है, तो देखो मूंगफली बीकानेर में बहुत होती है, जोधपुर में होती है, चूरू में भी होती है, ठीक। बीकानेर सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन के कारण राजस्थान का क्या कहलाता है, राजकोट, ये लगभग हर व्यक्ति को पता है। तो आपको मूंगफली के जो उत्पादक जिले हैं वो बाहर निकालने में हैं, और आपको याद रखने हैं कि मूंगफली के जो उत्पादक जिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखो नक्शे पे आ जाते हैं एक बार हम,
तो ये बीकानेर, ये आपका जोधपुर और ये आपका चूरू। तो बीकानेर और यहां से हम देखते हैं जोधपुर और ये कौन है, चूरू। ऐसा समझो कि एक ट्रायंगल है, मूंगफली का ट्रायंगल है। किसका ट्रायंगल है? मूंगफली का ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल पे आपका मूंगफली बहुत ज्यादा हो रहा है और बीकानेर में तो इतना हो रहा है कि बीकानेर को ये क्या कह दे रहे हैं, राजस्थान का राजकोट। लूणकरन सर है बीकानेर में, जहाँ खूब होती है मूंगफली। बीकानेर में मूंगफली की क्या है स्पेशल मंडी? अब देखो, जब मूंगफली ज्यादा बीकानेर में हो ही रही है तो मूंगफली के लिए क्या करना पड़ेगा, स्पेशल मंडी बनाना पड़ेगा। इसमें कौन सा रटने का बात है? कोई रटने का बात नहीं। फिर ये फैक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि 15.04% राजस्थान में मूंगफली उत्पादन के साथ सेकंड रहा है। अब देखो, आपके दिमाग में ओवरलैपिंग की संभावनाएं इस वक्त इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त बहुत ज्यादा होंगी। क्यों होगी? आपको पास बहुत सारे डाटा होंगे और जब भी आप एक नया डाटा पढ़ेंगे, आप अपने पिछले डाटा को उसके सामने जरूर रखेंगे, वरना ओवरलैपिंग से आपका एग्जाम का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ओवरलैपिंग क्या होती है, ये आप साइकोलॉजी में पढ़ोगे। साइको में एक सब्जेक्ट लगता है, साइको में एक टॉपिक लगता है विस्मरण, उसमें आता है ओवरलैपिंग। तो देखो, यहाँ पे एक दीवार बनाओ, ठीक है, और दीवार बना के पहले यहाँ लिखो तिलहन की मार्कशीट। किसकी मार्कशीट? कंप्लीट तिलहन की मार्कशीट बना लो। कंप्लीट तिलहन की मार्कशीट में आप देखो कि हम राजस्थान वाले क्या हैं, फर्स्ट नंबर पर हैं। और कहाँ फर्स्ट नंबर पर है राजस्थान वाले? देश के अंदर। और परसेंटेज भी देखने होते हैं ना, तो परसेंटेज लिख लो 20%। अगर 30 याद रहे तो बहुत अच्छा। अब आपको पता है कि आप तिलहन के अंदर पहली किसको पढ़ रहे हो? मूंगफली को पढ़ रहे हो। और इस चीज को जो मैं अभी आपको सिखा रही हूं ताकि आपकी ओवरलैपिंग रुक जाए और आपके क्वेश्चंस जो हैं वो गलत ना हो, तो उस पर गौर फरमाए। अब आपको किसकी मार्कशीट बनानी है? मूंगफली की मार्कशीट बनानी है। तो जब आप मूंगफली की मार्कशीट बनाओ ना, तो सिंपल कह देना कि देखो भाई, मूंगफली की मार्कशीट है और मूंगफली पूरे के पूरे देश में क्या आई है, सेकंड आई है। क्या आई है? सेकंड। और परसेंटेज कितने लाई है? तो मात्र 15%। कितने? मात्र 15%। अब क्या होगा, जब भी आप अपने नोट्स को रिवाइज करते होगे, उस वक्त आपको ये दिक्कत नहीं होगा कि यार मैंने 20.30% कहाँ पढ़ा था, या आप पैनिक नहीं होगे। आपको परफेक्ट देखने को मिलेगा, दोबारा से देखने को मिलेगा कि जब भी 20.30% की बात होगी मैं तिलहन के पास जाऊंगा, और जब भी 15% की बात होगी मैं किसके पास जाऊंगा, मूंगफली के पास जाऊंगा। और ऐसे ही अभ्यास से आप क्या रोक पाएंगे, ओवरलैपिंग को रोक पाएंगे। क्लियर? तो चलो आगे चलते हैं। अब अगला, मूंगफली को हमने खत्म कर दिया, अब हम किसके पास आ रहे हैं? सरसों के पास। तो अब देखते हैं सरसों को। तो सरसों के चीजें बाहर निकालो, यहाँ लिखते हैं अपन सरसों। और सरसों किसकी प्यारी है? सरसों किसकी प्यारी है? रबी की प्यारी है। तो रबी का इंपॉर्टेंट फसल है ये। इसमें कितनी बारिश चाहिए? देखो, 75 से 100 सेंटीमीटर। तो इसकी बारिश लिख लेते हैं, इसको कितनी चाहिए? 75 से 100 सेंटीमीटर। मिट्टी भी हमेशा फसल के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो देखो, उसको तो चाहिए काली मिट्टी। कैसी मिट्टी चाहिए? दोमट काली। इसको उसको चाहिए चिकनी। कैसी चाहिए? चिकनी दोमट। तो यहां लिख लीजिए मिट्टी को। अब हमें क्या करना है कि ये समझना है कि इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी है। उससे पहले आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे पहले कटाई होने वाली रबी की फसल जो है राजस्थान में, वो कौन सी है? सरसों है। और जो भी मेरे किसान वर्ग के स्टूडेंट है, पहले तो उनको बहुत हैट्स ऑफ है। इसलिए हैट्स ऑफ है कि लोग सोचते हैं कि कंपटीशन का एग्जाम टफ है, पर मेरा ये मेरी ये निजी सोच है, मेरा ये प्राइवेट थिंकिंग है कि दुनिया का सबसे मुश्किल प्रोफेशन अगर कोई है तो वो एग्रीकल्चर है। उसमें कुछ पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, लाभ होगा या नहीं होगा, पर मेहनत बेशुमार है। इसलिए जो भी किसान वर्ग के बच्चे हैं, मैं उन्हें एक बात कहना चाहूंगी कि आप चाहे 1,000 बार रुकें, पर आप फिर से कोशिश करें। जैसे एक किसान 1,000 बार बीज बोता है इस उम्मीद में कि ऊपर से बारिश होगी, और 1,000 बार वो असफल भी होता है, लेकिन जिस साल वो बो दे और ऊपर से बारिश हो जाए, उसके चेहरे की खुशियां आप देखने दे समझ सकते हो कितनी होगी। ठीक उसी प्रकार रुके नहीं कहीं पर भी, और बस लगातार क्या करते रहें, उम्मीद में आगे चलते रहें कि एक दिन हम जरूर क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो यही बात यहाँ पे सभी किसान वर्ग के बच्चों को पता होगी कि राजस्थान का जो रबी में सबसे पहले कटाई होता है वो किसका होता है?
सरसों का होता है। अब आपको क्या याद रखनी है उनकी उन्नत किस्में, कि उनकी उन्नत किस्में कौन कौन सी है। तो देखो बहुत सिंपल है, इनको पढ़ना है आपको पूसा कल्याण। अब रुक जाओ पूसा कल्याण पर थोड़ी देर के लिए, फिर आपको कौन सी पढ़नी है पूसा जय किसान। कौन सी पढ़नी है पूसा जय किसान। तो देखो किसान का कल्याण कर दो आगे पूसा लगा दो, तो पूसा कल्याण। तो कौन कौन सी हुई देखो पूसा कल्याण, कल्याण से याद रखो कि कल्याण किसका करना है आपको, तो जय किसान। और किसान के आगे क्या लगा दो आप, फिर से पूसा लगा दो। फिर आपको क्या याद रखना है वरुणा, कौन सी याद रखनी है इसकी किस्म वरुणा। और फिर वरुणा के बाद कौन सी याद रखनी है वरदान। अब अपनी आंखों को इन शब्दों के ऊपर गड़ा के रखो, आपको ऑटोमेटिक किस्में याद होंगी। ठीक है, अब अगर किस्मों में अभी आपको ओवरलैपिंग हो तो इधर लिख लीजिएगा मूंगफली। और अगर मैं लिखूं इस वक्त, तो आप मुझे चैट बॉक्स में आंसर दीजिए कि झुमका किसकी है, चंद्रा किसकी है, M13 किसकी है, RS1 किसकी है। तो अब आपका ओवरलैपिंग भी रुक जाएगा। ये आपका किसका है, सरसों का है, क्लियर। देन आपके पास कौन सी है दुर्गा मणि है, फिर कौन सी है T59। ये तो ऐसा लगता है कोई बाघिन है, T59 है ना, बहुत सारे रणथंभौर के अंदर जो बाघ है उनके नाम ऐसे ही निकाले जाते हैं, तो ऐसा लगता है ये तो कोई बाघिन है, उसका नाम निकाला गया है। तो क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलूं मैं। हाँ, अब ये सबको पता है मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका, सेवर भरतपुर में है। 8th 5-year plan, ये इंपॉर्टेंट है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में 20 अक्टूबर 1993 को। अब आप क्या करोगे कि देखो हम सरसों में क्या है बेस्ट है, हम सरसों में क्या है बेस्ट है, तो सरकार ने हमें बेस्ट दिया। हमें बेस्ट कब दिया, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और 8वीं पंचवर्षीय योजना में 20 अक्टूबर 1993 को उन्होंने कहा कि चलो तुम क्या बना लो, सरसों का एक अनुसंधान केंद्र तुम्हारे लिए यहाँ क्या कर देते हैं हम, खोल के रख देते हैं। तो आपको 20 अक्टूबर 1993 को क्या रखना है एग्जाम के लिए याद रखना है, 8th 5-year plan को भी क्या रखना है याद रखना है। आगे चलें, अब देखो राजस्थान 41.56% राई सरसों उत्पादन के साथ देश में प्रथम है। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। उससे पहले एक चीज और बता दूं, 2009 में इसी राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, राष्ट्रीय सरसों निदेशालय कर दिया है, तो आपको ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं वापस डाटा पे, तो अब फिर से आपको क्या करना होगा, फिर से आपको ब्लॉक बनाने होंगे। यहाँ पे आपको लिखनी है तिलहन की मार्कशीट। अब फटाफट से बता दो देखो कि तिलहन की मार्कशीट में कितने नंबर हैं। ठीक है, तिलहन की मार्कशीट, और यहाँ पे आपको लिखनी है मूंगफली की मार्कशीट। ठीक, और यहाँ पे आपको लिखनी है सरसों की मार्कशीट। अब तिलहन और मूंगफली की मार्कशीट तो आप मुझे टाइप करके दीजिए चैट बॉक्स के अंदर। तो देखो जो तिलहन की मार्कशीट है ना वो फर्स्ट नंबर पर आया है पूरे देश में, लेकिन उसके परसेंटेज सिर्फ कितने बताओ, कितने सिर्फ उसके परसेंटेज चैट बॉक्स में टाइप करो, फिर मैं यहाँ लिखती हूँ। तो कितने हैं, सिर्फ 20.30%, इतने से जरा से। मूंगफली वो तो और ही शानदार, वो सेकेंड आई है देश में, और वो कितने लाई है 15%। सरसों सबसे ज्यादा तेज, इन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो देश में ये क्या आई है, फर्स्ट आई है, और इसके मार्क्स भी बड़े अच्छे हैं। कितने हैं 41%, लगभग कितने हैं 41%, 41.56 है। आप इस पर क्या करें, सिर्फ ऐसे फोकस रखें, और आप जब इस पर फोकस रखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक क्या रहेगा, याद रहेगा। तो इस पेज में कोई दिक्कत नहीं, डाटा आराम से दिमाग में जा रहे हैं, तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, बीपी बढ़ाने की जरूरत नहीं, आगे चलो। चलो हाँ, अब देखो हम किसको पढ़ने वाले हैं, सोयाबीन को। किसको पढ़ेंगे हम, सोयाबीन को। सोयाबीन कौन सी खरीफ का तिलहन है, राज्य में खरीफ के तिलहन के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल कौन बोया जा रहा है, सोयाबीन बोया जा रहा है। यही सोयाबीन को क्या बना देता है, इंपॉर्टेंट। तो खरीफ के तहत क्षेत्रफल कौन लेगा ज्यादा, खरीफ के तिलहन में क्षेत्रफल कौन लेगा ज्यादा, तो क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा दिमाग उल्टा चलता है, आप मूंगफली आंसर करके आ सकते हो, और यही वजह है कि एग्जामिनर यहाँ पे जरूर क्या बनाएगा,
क्वेश्चन बनाएगा। तो ध्यान रखना, जब सोयाबीन और मूंगफली ऑप्शन में हो और क्वेश्चन ये पूछा जाए कि खरीफ तिलहन के तहत किसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, कौन बोया ज्यादा जा रहा है, तो उस केस में आंसर आपका क्या होगी, सोयाबीन होगी। तो आप यहाँ पे लिख लो कि किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, सोयाबीन का ज्यादा है। अब देखो जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं और जो जिम और एक्सरसाइज जाते हैं उनको पता है सोयाबीन कितना वैल्यूबल है। सोयाबीन के अंदर हाईएस्ट प्रोटीन मिलता है, इसलिए सोयाबीन क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रोटीन का अच्छा सोर्स है इसलिए सोयाबीन को क्या कहते हैं, चमत्कारी फसल। क्या कहते हैं, चमत्कारी फसल। तो अगर कभी एग्जामिनर आपको पूछे कि निम्नलिखित में से, गौर से मेरा क्वेश्चन सुनना, कि निम्नलिखित में से किस फसल को, तिलहन की फसल को, खरीफ के तिलहन की फसल को चमत्कारी फसल भी कहा जाता है, तो उस केस में आंसर क्या होगा, सोयाबीन। अब इसमें कितना प्रोटीन मिलता है, तो देखो 40 से 44% प्रोटीन इसमें पाया जाता है। अब राजस्थान सोयाबीन उत्पादन में कितने नंबर पर है, थर्ड स्थान पर है। कितने नंबर पर है, थर्ड, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अब सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, मुझे इस साल लगता है कि आपको सोयाबीन अनुसंधान केंद्र पूछा जाएगा, तो आप बहुत गौर रखें नोट्स बनाते वक्त कि सोयाबीन अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ है, बांसवाड़ा में है। तो यहाँ निकाल लीजिए कि सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, कौन सा अनुसंधान केंद्र, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ बनने हैं, कहाँ है आपके, बांसवाड़ा के अंदर है। कहाँ है, बांसवाड़ा में। क्लियर, आगे चलूं। अब देखो राजस्थान का 93%, राजस्थान का कितना, 93% सोयाबीन उत्पादन एवं फसली क्षेत्र, मतलब राजस्थान में ज्यादा आप सोयाबीन कहाँ बोगे। तो देखो इसमें टेंशन नहीं लेना चाहिए, जल्दी से राजस्थान का क्या बनाना चाहिए, मैप बनाना चाहिए, और राजस्थान का मैप बनाओ और प्रॉब्लम को क्या कर जाओ, सॉल्व कर जाओ। अब 93%, तो 93% आपको कहाँ मिलेगा, तो 93% आपको इसी जगह पे आपको क्या मिलेगा, सोयाबीन मिलेगा। अब ये जगह कौन सी है, तो ये जगह आप आराम से पहचान जाओगे, ये आपका जगह है झालावाड़, ये आपका जगह है बारा, ये आपका जगह है कोटा, ये आपका जगह है चित्तौड़, ये आपका जगह है बूंदी। तो बेसिकली जो आपका हाड़ौती का क्षेत्र है, वही हाड़ौती के क्षेत्र में आपको क्या दिखेगा, ज्यादा सोयाबीन दिखेगा। तो क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो याद रखना कि आप सोयाबीन से मिलोगे अगर, तो कहाँ मिलोगे, ज्यादा सोयाबीन आपको अगर देखना है, अगर ज्यादा सोयाबीन आपको खड़ा, फसल खड़ी देखनी है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, हाड़ौती जाना पड़ेगा, झालावाड़, बारा, कोटा, चित्तौड़ और बूंदी में देखने को मिलेगा। क्लियर, आगे चलो। चलो हाँ, अब हम बारी आती है किसकी, तिल की। तो तिल तो बेचारा छोटा सा है, देखो वैसे भी साइज में भी छोटा है और यहाँ पे भी क्या है, वो छोटा ही है। तो तिल को फसल, तिलहन फसलों की रानी कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपको अगर पूछे कि खरीफ के तिलहनों में से, गौर से मेरा क्वेश्चन सुनना और गौर से क्लास में आंसर देना, कि निम्नलिखित में से कौन से खरीफ के तिलहन को आप चमत्कारी फसल कहेंगे, तो उस केस में आपका आंसर क्या होना चाहिए, सोयाबीन। लेकिन आपसे ये पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन का जो फसल है वो तिलहनों की रानी है, क्वीन ऑफ ऑयल सीड है, तो वो कौन है, तिल है। अब तिल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, उत्तर पश्चिम राजस्थान में। तो इसका एक बहुत सिंपल है कि आप फिर से क्या बनाओ, राजस्थान का डायग्राम बनाओ, और ये जो नॉर्थ वेस्ट राजस्थान है, उत्तर पश्चिमी राजस्थान है, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान है, इसमें क्या कर दो, तिल। या आप ऐसे याद रखो, देखो तिल पे दिल आ जाता है ना, तो वैसे ही नॉर्थ वेस्ट राजस्थान जो है वहां पे तिल हो रहा है, तो वहां पे लोगों का क्या आ गया है, दिल आ गया है। तो तिल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर होता है। प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं, तो देखो पाली है और जोधपुर है, लेकिन इसके अलावा आपको दो कौन कौन से दिख रहे हैं, पूर्वी क्षेत्र के सवाई माधोपुर और धौलपुर भी दिख रहे हैं। यही कारण है कि तिल से प्रमुख उत्पादक जिले पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि मेनली तो ये कहाँ है, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बोया जाता है, लेकिन उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अलावा भी इसके प्रमुख उत्पादकों में पूर्वी राजस्थान से सवाई माधोपुर और धौलपुर है। तो अब हम क्या करेंगे, चूंकि ये इंपॉर्टेंट जगह है, तो हम एक डायग्राम बनाएंगे और तिल को वहां फिक्स कर देंगे। तो देखो अभी हम तिल को फिक्स कर रहे हैं, तो हम यहाँ हम कह सकते हैं कि धौलपुर में है तिल, ठीक
ठीक, देन हमारे पास यहाँ सवाई माधोपुर तिल है, फिर यहाँ आ जाते हैं अपन पाली, यहाँ पाली, और पाली के ठीक पास यहाँ जोधपुर। देखो अब ये एग्जैक्ट तो नहीं है, पर पूरी कोशिश की है आपके साथ कि ये सही हो जाए। ये कौन सी जगह है आपकी पूरे की पूरी प्रमुख तिल उत्पादक जगह है? तो क्लियर, तिल में कोई प्रॉब्लम नहीं, और तिल के प्रमुख उत्पादक आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। आगे चलूं मैं? चलो हाँ, अब हम तिलहन को खत्म कर चुके हैं, अब हम किस पर आ गए हैं, दलहन पर। तो हम तिलहन को कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे दलहन। दलहन मींस दालें। अब हम क्या देखने वाले हैं, दालें देखने वाले हैं। तो देखो राजस्थान की जलवायु शुष्क और अर्ध शुष्क है, और दालों के लिए ये क्या है, उपयुक्त है। इस साल ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दलहन उत्पादन के लिए राजस्थान परफेक्ट क्यों है ना, कि दलहन उत्पादन के लिए राजस्थान परफेक्ट क्यों है। इसका सिंपल सा आंसर कहाँ पड़ा है, राजस्थान की जलवायु में। राजस्थान की जलवायु है कैसी, शुष्क है। अब शुष्क का मतलब सूखी, सूखी का मतलब बारिश कम होती है, तो बारिश कम होना फेवरेबल कंडीशन है दालों के लिए। तो शुष्क और अर्ध शुष्क, थोड़ी बहुत हो जाए उससे फसल को फायदा होगा। तो याद रखोगे कि राजस्थान की शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु होने के कारण दलहन जो है वो राजस्थान में आप आसानी से क्या कर सकते हो, उगा सकते हो। अब दालों का लगभग 72% क्षेत्रफल राजस्थान के कौन कौन से जिलों में है वो देखना जरूरी है। तो देखो जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू और जयपुर, ये अकेले जो जिले हैं वो कितना बना देते हैं, 72%। इस चीज को आपको सिर्फ क्या करना है, रीड पढ़ना है। अब आगे चलते हैं, जोधपुर। देखो कोई सोच नहीं सकता कि जोधपुर जैसी जगह राज्य का 30% दलहन अकेला पैदा करता है। कितना परसेंट, 30% दलहन ये क्या करता है, अकेला पैदा करता है। अब आपको ध्यान रखना है कि दलहन उत्पादन में राजस्थान कितने नंबर पर है, सेकंड नंबर पर है। ठीक है, तिलहन में हम फर्स्ट हैं, दलहन में हम क्या हैं, सेकंड नंबर पर हैं। और कितने परसेंट के साथ हैं, 16% के साथ। यहाँ पे आपका क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। इसीलिए आप अपने कॉपी के ऊपर लिखें कि आपकी दलहन की मार्कशीट भी आ गई है, और दलहन की मार्कशीट में आप देख रहे हैं कि वो क्या आया है, सेकंड आया है देश में, और नंबर बड़े थोड़े से लाया है, मात्र कितने, 16%। अब इस 16% को आप याद करने की कोशिश ना करें, इस 16% पर आप अपनी आंखों को जमाए, है ना, इनको जमा के रखोगे ना आंखों को, तो ये आसानी से आपको क्या होते रहेंगे, याद होते रहेंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलू। हाँ, अब हमारा सबसे फेवरेट चना, गुजराती और राजस्थानी लोगों को इतना चना अच्छा लगता है जिसकी कोई हद नहीं है ना। राजस्थान में कुछ भी देख लो, सब कुछ बेसन से ही बनता है। कोई भी सब्जी राजस्थान में देख लो बेसन से बनती है, तो चना तो राजस्थान और गुजरात के लिए वरदान है। तो चना जो है वो आपकी रबी की फसल है, पहली चीज। और इसीलिए ये एग्जामिनर को भी बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी यही चीज खा खा के पढ़ाई किया है। तो रबी में 90% दलहन क्या है, चना ही है। 90% जो दलहन रबी में होगा वो कौन सा होगा, चना होगा। इसको आपको बोना कब है, अक्टूबर नवंबर में। और अच्छा, ये यहाँ पे बलुई मिट्टी, ये वाला गड़बड़ हो गया है, मैं सही कर दूंगी। इसको मिट्टी कैसी चाहिए, बलुई मिट्टी। मैंने कई बार ऐसा सुना है राजस्थान में कि अगर खेत में कुछ भी नहीं होना तो अपने आप क्या उग जाता है, चना उग जाता है। इतना चना जो है वो राजस्थान के एनवायरनमेंट के साथ घुल मिल गया है कि अगर आपका खेत खाली पड़ा है तो किसान सोचता है कुछ नहीं यार, चल चना ही कर देते हैं, और वो अच्छी खासी क्या कर लेता है, ग्रोथ कर लेता है। तो बहुत सिंपल है, 90% दलहन जो राजस्थान में होता है वो चना ही है। आपको कौन सी मिट्टी चाहिए, उसके लिए बलुई मिट्टी चाहिए। और चना उत्पादन के साथ देश में हम कितने नंबर पर हैं, तीसरे नंबर पे है। अब आपके दिमाग में ओवरलैपिंग हो सकती है, उसको रोकना है। आपको जब दलहन की मार्कशीट बनानी है तो आपको दलहन में देश में कितने नंबर पे जाना है, सेकंड, और कितने परसेंट नंबर के साथ, 16। इसी दलहन में आप किसको पढ़ रहे हो, चना को पढ़ रहे हो, और इसकी मार्कशीट में आपको कितने नंबर पे जाना है, थर्ड नंबर पे जाना है। क्लियर, तब यहाँ पे कितने नंबर आएंगे, 90% नंबर, 19% नंबर आपको यहाँ पे रखने हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब आगे देखते हैं कि हनुमानगढ़ और गंगानगर, कौन,
हनुमानगढ़ और गंगानगर चने का सर्वाधिक उत्पादन होता है यहाँ पे, जो कुल उत्पादन का कितना है 40%। तो चना में क्या चीज याद रखनी है कि अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा उत्पादन, चने का सबसे ज्यादा उत्पादन, तो चने का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ, तो भाई हनुमान जी, हनुमानगढ़ और गंगानगर, ये तो सबको पता है। चना तो राजस्थानियों के मैं कहूँ खून में घुला हुआ है, अभी पता नहीं किसी न किसी घर में जरूर अवश्य चना का कुछ ना कुछ बन रहा होगा। तो चने से हमारी दो चार बातें जो इम्पोर्टेंट थी वो पूरी हो गई, अब चलेंगे हम आगे। अब मूंग उत्पादन, अब मूंग उत्पादन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको क्या करना है, इसको रीड करना है, पढ़ना है और आगे बढ़ना है। तो मूंग उत्पादन में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, नागौर, जोधपुर, पाली और सीकर, कौन कौन सी जगह इंपॉर्टेंट है, नागौर, जोधपुर, पाली और सीकर, जस्ट रीड और लेफ्ट। फिर मौठ, मौठ से भुजिया बनती है, इसलिए ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। और यहाँ कहाँ कहाँ होगी, बीकानेर में होती है, चूरू में होती है, जोधपुर में होती है और सीकर में होती है। तो बहुत आसान है, अब जोधपुर से बीकानेर आइए, फिर चूरू जाइए, फिर सीकर, यहाँ सब जगह आपको क्या दिखेगा, मौठ का उत्पादन दिखेगा। और मौठ जो है वो एग्जामिनर के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस मौठ से बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बनते हैं, खाने पीने के सामान बहुत बनते हैं इससे राजस्थान के अंदर। तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा सोर्स है, अच्छा रॉ मटेरियल है। फिर अरहर, देखो अरहर जो है वो सबसे महंगी दाल है। अगर आप देखेंगे कि अगर दालों का प्राइस आप बाजार में देखेंगे तो सबसे महंगा दाल कौन सा है आपका, अरहर है। इसीलिए कई बार एग्जाम क्या पूछता है, अरहर के उत्पादन से क्वेश्चन पूछता है। अरहर जो है वो आपको पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मिलेगी। तो अब इसको भूल ना जाओ ना, तो इसका डायग्राम बनाओ के देखो। अब आपको अरहर को ढूंढना है तो आपको कहाँ जाना होगा, तो आपको अरहर को ढूंढना है तो आपको राजस्थान में पूर्वी और दक्षिण पूर्वी, ये देखो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, ये जो सारी चीजें हैं, ये कौन है, यहाँ कौन मिलेगा आपको, अरहर मिलेगा। अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आपको ऑटोमेटिक क्या होंगे इसके जिले याद रहेंगे, देखो कोटा, बूंदी, झालावाड़, करौली, सवाई माधोपुर, बस। अब अगली इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो है मदनगंज किशनगढ़, ये दलहन की क्या है, स्पेशल मंडी है। तो अगर एग्जामिनर आपको पूछ ले कि मदनगंज और किशनगढ़ जो है वो क्या है, दलहन की स्पेशल मंडी है, तो यहाँ तक सब चीजें, सारा डाटा एक बार दिमाग में गया। मैं चिंता नहीं करूँ आप लोगों की कि आपने अच्छे से दिमाग में डाला हो। देखो चिंता इसलिए होती है, सही बताऊँ चिंता क्यों होती है, चिंता इसलिए होती है क्योंकि हमारे बीच में एक इंटरनेट का दीवार है, एक स्क्रीन है, तो उस स्क्रीन की वजह से ये चिंता है कि भाई मैं जितना बता रही हूँ आप उतना ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। तो आप थम्स अप कर देते हो या कमेंट में टाइप कर देते हो और फिर मैं जब फीडबैक लेती हूँ तो मुझे लगता है ठीक है, मेरे द्वारा दिया गया अधिगम क्या हुआ, पूरा हुआ। बस ये छोटी सी चिंता रहती है, बाकी मुझे पता है आप इतने समझदार हैं कि इस वक्त आप अपना सबसे कीमती समय किसको दोगे, पढ़ाई को दोगे। तो चलो आगे बढ़े। हाँ पूरी हो गई आज की क्लास, तो अब अगली क्लास में मिलेंगे। हाँ जिसने टेस्ट सीरीज नहीं परचेज किया है वो जल्द परचेज करे क्योंकि आगे आने वाले साल में आपके खूब एग्जाम होंगे, तो पहले से तैयारी करना अच्छा है। तो आप हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर जाइए और जाकर आप आप प्ले स्टोर पर जाइए और हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन में आपको हिंदी का टेस्ट सीरीज और जीके का टेस्ट सीरीज मिलेगा, उससे आपको क्या करना है, परचेज करना है। वहीं पे क्लास का पीपीटी और क्लास का क्या मिलेगा, वीडियो भी मिलेगा और टेस्ट पेपर भी मिलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मस्ती से पढ़िए, खूब अच्छे से आपने दिवाली बना ली, अब वापस पढ़ाई में लग जाइए, पेन पेपर ले आइए ताकि एग्जाम में बम फोड़ सके। तो चलो मिलते हैं, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं आगे, बाय।